कल हमने एल्कीन शुरू किया था और एल्कीन्स की आज हम प्रिपरेशन करेंगे। अब प्रिपरेशन होती कैसे है? फ्रॉम एल्काइन्स। अब एल्काइन्स है, ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ का हम उसका रिडक्शन करेंगे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि रिडक्शन करते हैं भैया वो कंट्रोल्ड मैनर में नहीं होती। अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लाटियम या निकल या रेने निकल, तो वो क्या करती है, रिएक्शन हमारी चलती रहती है। तो एल्कीन पे आके रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा था, तो बट अगर मैं चाहता हूँ कि इस रिएक्शन को स्टॉप करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, है ना, पर्टिकुलर कैटलिस्ट जिसकी वजह से रिएक्शन मेरा स्टॉप हो जाए। ठीक है जी, तो इसमें क्या आ रहा है, फ्रॉम एल्काइन्स, एल्काइन्स ऑन पार्शियल रिडक्शन, है ना, पार्शियल रिडक्शन, रिडक्शन मतलब मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल पार्शली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन्स लाइक सल्फर कंपाउंड और क्यूनोलिन गिव्स एल्कीन्स। मतलब क्या किया हमने, ये एल्काइन्स लिए, इसका रिडक्शन किया प्लेडलाइज्ड, है ना, प्लेडाइज्ड चारकोल के साथ, जिसको हमने पॉइजन किया हुआ है, किसके साथ, सल्फर के साथ और क्यूनोलिन के साथ। ठीक है, और ये हमारा क्या दे रहा है, सिस एल्कीन दे रहे हैं। अब सिस मैंने आपको बताए थे लास्ट में, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप या दोनों बल्की ग्रुप एक साइड पे तो सिस, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रांस। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। पार्शली डीएक्टिवेटेड प्लेडलाइज चारकोल इज नोन एज लेंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है जी, लेंडलार्स कैटलिस्ट इसका ये नाम है। क्लियर हो गया, एल्काइन का हमने प्लेडलाइज चारकोल की प्रेजेंस में रिडक्शन किया और वो हमें सिस आइसोमर दे रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हमने उसे किया थ्रू लेंडलार्स कैटलिस्ट, उसे हम बोल देते हैं लेंडलार्स कैटलिस्ट, और यहाँ पे हमारे बनते हैं सिस एल्कीन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरी तरफ से दूसरी एक और रिडक्शन किया, दूसरी रिडक्शन क्या किया हमने, एल्काइन्स लिया, इसका हमने क्या किया, अमोनिया की प्रेजेंस में रिडक्शन किया, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिडक्शन किया, और इसने हमें क्या दे दिया, ट्रांस एल्कीन्स। ठीक है जी, ये क्या दे रहा है हमें, ट्रांस एल्कीन्स। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे ये दे रहा है कि एल्कीन्स दस ऑब्टेन हैविंग सिस्टमेटिक हाउएवर एल्काइन्स ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म ट्रांस एल्कीन, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, ये क्या था हमारा, लिंडलार्स कैटलिस्ट, इसकी वजह से हमें सिस मिल रहा था, और यहां पे हमने किया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये हमें ट्रांस दे रहा था, ट्रांस एल्कीन, राइट। अब ये चीज हमें लर्न रखनी है, याद रखनी है कि कौन से वाली सिस बना रहा है, कौन सा आइसोमर सिस बना रहा है, कौन सा हमारा ट्रांस बनाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास इथाइन था, इथाइन से तो इथीन बनना है, तो यहाँ पे तो भैया चारकोल, प्लाइडलाइज चारकोल रखा, और उसकी वजह से है ना इथीन का तो सिस ट्रांस बनना नहीं है। ठीक, उसके बाद प्रोपाइन के साथ किया तो प्रोपीन बन गया, कोई भी है ना सिस ट्रांस वाला इश्यू ही नहीं है। विल प्रोपीन डस ऑब्टेंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नहीं करेगा भैया, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, देखो यहाँ पे क्या होना है, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, दो ग्रुप सेम हो गए, यहाँ पे एक सी एच थ्री आ रहा है, यहाँ पे एच आ रहा है, अब ये तो भैया सेम भी है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, सेम डायरेक्शन में भी है, तो ये आइसोमर नहीं देगा। थिंक फॉर द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, मैंने आपको बता दिया आंसर। ठीक है, जो प्रोपीन है वो हमारा आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, राइट। उसके बाद सेकंड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स RX। ठीक है जी, यहाँ पे हम करेंगे एल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटाश, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एल्कोहल या एल्कोहलिक KOH से इथेनॉल एलिमिनेट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन एसिड टू फॉर्म एल्कीन, इट विल फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। ठीक है ना, क्लियर है जी, इसे हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डी हाइड्रो, मतलब हाइड्रोजन जाएगा और एक हेलोजन जाएगा, एक एच भी गया और एक हेलोजन गया, एच एक्स,
डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ हैलोजन एसिड. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम एंड कार्बन एटम नेक्स्ट टू विच हैलोजन इज अटैच्ड. अब देखो यहाँ पे ये कहानी क्या कह रहा है. ठीक है जी, हमने क्या किया, यहाँ पे ये हैलोजन लिया, इस कार्बन के साथ जुड़ा होता तो ये अल्फा हो गया, उसे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा जी, बीटा, है ना. अब इससे एक्स जाएगा, इससे क्या जाएगा, हमारा हाइड्रोजन जाएगा. बीटा से हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा से हैलोजन जाएगा. किसकी प्रेजेंस में हुआ, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में. और ये हमें क्या दे देगा, अब यहाँ से ये चला गया, डबल बॉन्ड लग जाएगा इसमें, क्योंकि एक्स नेगेटिव जाएगा एच पॉजिटिव जाएगा. अगर यहाँ से एक्स नेगेटिव जा रहा है तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज. इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस होगा और डबल बॉन्ड बना देंगे. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है जी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, अब 12th में आएगा कि भैया, अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा एक और चीज ऐड करता हूँ. अगर मैं यहाँ पे एक्वस KOH कर दूँ ना, तो हमारा रिएक्शन ही पलट जाएगा. तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3CH2OH. ठीक है, बट एल्कोहलिक KOH डाल दिया तो क्या कर रहा है, एलिमिनेशन दे रहा है. तो क्या हो रहा है भैया, एलिमिनेशन हो रहा है. ये सब हमारे बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. देखो दिस इज अ बेस, OH नेगेटिव इज अ बेस. यहाँ पे भी ये बेस है, बट ये कौन सा है, एल्कोहलिक. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2OH5O-K पॉजिटिव. ये क्या हो गया, एक बड़ा बेस हो गया. इसे अब बेस को क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन चाहिए होता है ना. हमने पढ़ा था लिविस सॉरी ब्रोंस्टेड एसिड इन बेसिस, है ना. बेसिस हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटोन. तो जब ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा ना, ये वाला प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैच तो हो नहीं पा रहा. अब वो अटैच नहीं हो रहा तो यहाँ से क्या करेगा, इसे निकाल के ले जाएगा, इसे निकाल के ले जाएगा. और ये जो K पॉजिटिव था, ये किसके साथ चला जाएगा, X के साथ. तो इसमें साथ में प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे हमारे, K X बन जाएगा और वाटर बन जाएगा. समझे, यहाँ पे क्या हुआ, ये छोटा बेस था, OH माइनस क्या है, छोटा बेस है. तो वो क्या करेगा, इस K के साथ क्या चला जाएगा, X. और यहाँ पे एक प्रोटोन चिपक जाएगा. क्लियर हो गया. और इसकी वजह से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. तो ये हो जाएगा भैया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ये हम बाकी डिटेलिंग 12th में आएगी. ठीक है, 12th में ये डिटेलिंग. अभी बस यही याद रखना है कि अगर हम एल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा जी, जी अगर हम एल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है जी, एल्कीन बन जाता है. एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट. नेक्स्ट, नेचर ऑफ हैलोजन एटम, नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड एल्काइल ग्रुप डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर हैलोजन द रेट इज आयोडीन का सबसे ज्यादा है ना. जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब या रिमूवल है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, वाइल फॉर एल्काइल ग्रुप टर्शरी सेकेंडरी एंड देन. क्लियर है. अब मैं आपको बताता हूं कैसे हमारा ये होता है. अब हमने यहां पे करना था CH3. अब देखो जो भी हमारा लिविंग ग्रुप होता है ना, CH3CH2X, यहां पे मैंने आयोडीन लगाया और CH3CH2Cl रखा. ठीक है जी, Cl रखा. तो इन दोनों में से विच इज, मतलब स्ट्रॉन्गली रिएक्शन कौन देगा, दिस विल, है ना, ये एलिमिनेशन जल्दी हो जाएगा. क्यों एलिमिनेशन जल्दी होगा, देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, आई. यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, सी एल. तो विच, देखो लिविंग ग्रुप की कहानी है ये, कौन लिविंग ग्रुप कौन सा इजिली लीव करेगा, लिविंग ग्रुप जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा. जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा,
है। अब ये एसिड क्या बना रहा है, एच आई, ये एसिड क्या बना रहा है, एच सी एल। इन दोनों में एच आई इज द स्ट्रॉन्गर एसिड, एच आई जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है ना। क्यों? क्योंकि देखो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होता है, जो इजीली एच पॉजिटिव देगा। अब हाइड्रोजन आयोडाइड में इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, इसकी छोटी है, और बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है जी, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है जी, अब उसके बाद उसने बोला कि भैया CH3 टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे टर्शरी एक्स लिया, ये टर्शरी था, यहाँ पे ये मैंने सेकेंडरी बनाया और ये प्राइमरी हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, इन दोनों में से देखो, अब यहां से अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ देता हूँ, अगर मैं इसे तोड़ता हूँ, इस कार्बन पे वी गेट द पॉजिटिव चार्ज, इसे तोड़ता हूँ तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको तोड़ता हूँ तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये वाले पे देखो, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और कौन सा इफेक्ट शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना कार्बन पे, वो छोटा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि ये एक कोई भाई था हमारा जो टिफिन नहीं लेके आया था, बट उसके 3 फ्रेंड्स टिफिन लेके आए थे, है ना। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव चार्ज का, वो बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा होगा, है ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए, यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेट बनेंगे, है ना, क्योंकि 3 अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये एक अल्फा कार्बन, और तीनों के साथ तीन तीन लगे हुए हैं। तो हाइपर, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, वी हैव 9 हाइपर कॉन्जुगेट, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। तो जितना छोटा पॉजिटिव चार्ज उतना स्टेबल होगा। इस केस में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और इस केस में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा रहेगा। इसी वजह से जो 3 डिग्री है वो सबसे स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और फिर 1 डिग्री होगा। ठीक है जी, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या चीज समझाई है, यहाँ से ये चीज है ना कि जो रेट इज कौन निकलेगा भैया, नेचर ऑफ हैलोजन एटम एंड एल्काइल ग्रुप डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे फास्टेस्ट कौन निकल रहा था, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, व्हाइल फॉर एल्काइल ग्रुप इट इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम विसिनल हैलाइड्स। अब विसिनल डायहैलाइड्स है क्या चीज, है ना। विसिनल डायहैलाइड्स होते हैं जब अगल बगल कार्बन पे सेम हैलोजन अगर मेरे अटैच है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, विसिनल। ठीक है, विस भी बोलते हैं मैंने शॉर्ट फॉर्म में, विसिनल, विस। और एक और होते हैं, अगर एक ही कार्बन पे दो सेम हैलोजन लगे हुए हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, जेम, जेमिनल। ठीक है, अगल बगल पे लगे हुए हैं तो विसिनल, और अगर एक ही कार्बन पे लगे हुए तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, जेमिनल। राइट, फ्रॉम विसिनल डायहैलाइड, डायहैलाइड्स इन व्हिच टू हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स are known as vicinal dihalides. Vicinal dihalides on treatment with a zinc metal lose a molecule of ZnX2 to form an alkene. This reaction is known as dehalogenation. This is known as dehalogenation. Clear हो गया जी? This reaction is known as dehalogenation. तो यहाँ पे ये हमने लिया, देखो CH2Br, CH2Br, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसा है, यहाँ पे ब्रोमीन है, CH2 के साथ ब्रोमीन लगा है, इसका हमने जिंक के साथ रिएक्शन कर दिया। ठीक है जी, क्या होगा, ये जिंक ये भी लेके भाग जाएगा, ये भी लेके भाग जाएगा, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक तरफ पॉजिटिव, नेगेटिव, डबल बॉन्ड बन जाएगा, दिस विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एंड ZnBr2।
यहाँ पे भी ऐसे ही रहा, ये जिंक इस ब्रोमीन को और इस ब्रोमीन को लेके चला जाएगा तो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन होना है विसनल डायहैलाइड्स। देखो पेपर में बड़ी इजी और डायरेक्ट रिएक्शंस पूछी जाती हैं, बहुत इजी और डायरेक्ट रिएक्शन क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, वो सोचो भी मत कि यहाँ पे बड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आएगा, नहीं साहब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना हमने। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब ये भी दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हमने क्या किया, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच लिया। ठीक है, अल्फा कौन सा है, जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके बगल में यहाँ पे ये बीटा लगा है। अगर मैं यहाँ पे इस सी एच टू की जगह, सॉरी यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर देता हूँ सी एच थ्री, तो ये वाला भी क्या होता है, कार्बन मेरा बीटा हो जाता है। दिस बिकम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले भी किया था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे हमारा एक रूल लगता है, कौन सा, सेडजेफ रूल, लिख लो अपनी बुक में सेडजेफ रूल। और ये सेडजेफ रूल क्या बोलता है कि भैया मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर एल्काइलेटेड एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। ये अपनी बुक में लिख लीजिए क्या है भला, ये मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज सेडजेफ रूल। ठीक है जी, लिख लीजिए इसे, सेडजेफ रूल, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होएगा। हमने क्या किया, एक एल्कोहल लिए सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ पे हमारा ओ एच ग्रुप लगा हुआ था। यहाँ पे मैंने क्या किया, H2SO4 डाल दिया है ना, एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो OH अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, अब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बन गया, एक ये बन गया, मतलब 1 2 के बीच में एलिमिनेशन हुआ, 1 एंड 2 के बीच में और 2 डैश के बीच में, 1 एंड 2 डैश के बीच में। तो ये बोलता है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, क्योंकि इसके अंदर ये एल्कीन था, इसके साथ में दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे ये एल्कीन था और इसके साथ में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं सेडजेफ रूल। ठीक है जी, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, सेडजेफ रूल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन वो यूजली ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि विच वन विल बी द यू नो मेजर प्रोडक्ट, तो वो आपको चीज क्लियर रखनी है। ठीक है, ये था हमारा, तो बाकी तो वही सेम ही है, बीटा एलिमिनेशन ही हो रहा है यहाँ पे, ये सब लिख लीजिए काम आएगा। ठीक है, अपनी बुक्स में लिख लीजिए। सो यू हैव रेड ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट होमोलोगस सीरीज इन यूनिट 12 दैट अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, दे आर रिप्रेजेंटेड एज ROH, राइट, where R is CnH2n+1 alkyl group होता है। Alcohols on heating with concentrated sulfuric acid, अब जो sulfuric acid होता है it act as a dehydrating agent, form alkenes with the elimination of one water molecule, since a water molecule is eliminated from alcohol molecule in the presence of acid, this reaction is known as acidic dehydration of alcohols. This is known as acidic dehydration of alcohols. Dehydration. This reaction is also the example of beta elimination reaction. ठीक है जी, this is an example of beta elimination reaction. मैंने अभी जैसे आपको बताया था, since OH takes out
वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, राइट। यहां पे हमने किया अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा से हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्केन्स, जैसे एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये भी वैसी ही प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। एल्केन्स एज अ क्लास रिजेंबल एल्केन्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड डिफरेंस इन पोलर नेचर। द फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैसेस, द फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैसेस, द नेक्स्ट 14 आर लिक्विड एंड द हायर वंस आर सॉलिड्स। इथीन इज अ कलरलेस गैस, इथीन इज अ कलरलेस गैस विद अ फेंट स्वीट स्मेल। ऑल अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑडोरलेस। Insoluble in water but fairly soluble in non-polar solvents like benzene, petroleum, ether. They show a regular increase in boiling point with increase in size with every CH2, मतलब homologous series में अगर हम देखते हैं तो हर एक CH2 group added increases boiling point by 20 to 30 के, मतलब अगर हम propane से butane पे जाएंगे तो उनके boiling point में 20 to 30 degree 30 केल्विन का इंक्रीज हो जाएगा। लाइक एल्केन्स, ट्री चेन एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच चेन कंपाउंड्स। रीजन बीइंग, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2 लिया। दिस इज प्रोपीन, है ना, वन प्रोपीन या प्रोपानीन कुछ भी आप ले लीजिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CH3 और आई विल राइट 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दी, यहाँ पे ये क्या किया मैंने, साइड चेन बना दिया। 1, 2, 3, 4, लेट्स सपोज यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, है ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना था, ये बना दिया, राइट। यहाँ पे CH3 हो जाता, यहाँ पे CH2 हो जाता। तो इस केस में ये हेक्सीन था, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी एक चेन, देखो इसकी जो पेरेंट चेन थी वो छोटी हो गई। अब इसका सरफेस एरिया क्या हुआ, कम हो गया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा था। अब जब मैंने ये बना दिया तो इसकी स्फेरिकल शेप आने लगी। अब जब स्फेरिकल शेप होगा तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब वो टचिंग में होगा तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, लो होगा, लो सरफेस एरिया, इट विल हैव लो सरफेस एरिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया, दे हैव low surface area, ठीक। चलिए, like alkenes, straight chain alkenes have higher boiling point than isomeric branch chain. Why? Because with decrease in surface area, with the decrease in surface area, van der Waal forces decreases. Van der Waal forces decreases, ठीक है जी, ये वहां पे लिख लीजिएगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं भैया, हमारे सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस, ठीक। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होएगा। देन वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, देन वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। So chemical properties, alkenes are rich sources of loosely held pi electrons. हमने पढ़ा था, है ना, alkenes में क्या है, there is presence of double bond. तो वो क्या होते हैं, loosely held pi electrons होते हैं, due to which they show addition reaction. जहाँ पे भी unsaturation होगा वहाँ पे easily addition हो जाता है, in which the electrophiles add to the carbon-carbon double bond to form the addition products. Some reagents also एड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है जी, कुछ और ऐड हो जाते हैं बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, वो हमारे यू नो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है, उनके थ्रू होता है, ठीक है, कहीं पे कार्बोकैटायन हमारा इंटरमीडिएट बनता है, कहीं पे कार्बन आयन बनता है। देयर आर केसेस व्हेन अंडर स्पेशल कंडीशन एल्कीन्स अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट, free radical substitution reaction, oxidation and ozonolysis reactions are quite prominent in alkenes. A brief description of the different reaction of alkene is given below. Addition of dihydrogen. अब dihydrogen आप add कर रहे हो, CH2 double bond CH2 ले रहे हो,
यहाँ पे आपने हाइड्रोजनेशन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटियम, प्लैटिनम और निकल, तो दिस विल गिव अस CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन बना देगा, ठीक है ना। एल्कीन्स ऐड अप वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लेटियम और प्लैटिनम टू फॉर्म एल्केन्स, फॉर्म एल्केन्स। उसके बाद है एडिशन ऑफ हैलोजन्स, ठीक। एडिशन ऑफ हैलोजन्स में क्या होगा, हैलोजन्स लाइक ब्रोमीन एंड क्लोरीन एड अप टू एल्कीन टू फॉर्म विथिनल डायहैलाइड्स, ठीक है जी, एल्कीन्स टू फॉर्म विथिनल डायहैलाइड्स, ठीक है। हाउएवर द रिएक्शन, हाउएवर आयोडीन डज नॉट शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन, द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन इज एडेड टू एन अनसैचुरेटेड साइट। ये क्या है, दिस इज अ टेस्ट, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या किया हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, अब ब्रोमीन, ब्रोमीन है रेडिश ब्राउन कलर की, ठीक है। अब जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये ध्यान रखना है भैया, CCl4 की प्रेजेंस में करना है, कुछ और रहेगा तो कुछ और प्रोडक्ट बना देगा ये, इट विल फॉर्म CH2Br और CH2Br, क्लियर है। अब जब ये CH2Br बना रहा होगा तो प्रोडक्ट कुछ और बना देगा, क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, दिस इज कलरलेस। अब जब ये कलरलेस हो गया, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन, अब रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज हो गया, कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। एडिशन ऑफ हैलोजन्स टू एल्कीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्मेशन, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ से क्या बना उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीचे भी लिखी गई है। अब देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका हमने ब्रोमीन CCl4 के साथ किया, तो ये विसिनल डायहैलाइड्स बना रहे थे, यहाँ पे प्रोपीन के साथ किया तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारे विसिनल अगल बगल पे सेम हैलोजन एटम का एडिशन हो गया, उसे हम बोलते हैं विसिनल डायहैलाइड्स। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त है ये, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, हैलोजन हैलाइड्स, हैलोजन हैलाइड्स HCl, HBr, HI added up to alkenes to form an alkyl halide, ठीक है जी। ये क्या बनाते हैं, alkyl halide बनाते हैं, the order of reactivity of hydrogen halide, अब देखो HI का order सबसे fast है, HI सबसे easily react करता है, फिर HBr, फिर HCl, why, वही bond length है, जो easily टूट जाएगा उसकी reactivity fast होगी, like addition of halogens to alkene, addition of hydrogen halide is also an example of electrophilic addition reaction, बताऊंगा अभी कैसे इलेक्ट्रोफिलिक है। लेट अस इलस्ट्रेट बाय टेकिंग एडिशन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के से समझाता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, सिमेट्रिकल एल्कीन्स लिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मैंने HBr का एडिशन किया, दिस विल गिव अस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, ठीक है जी, ये हमें एडिशन होगा, दिस इज द एडिशन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक एच यहाँ पे चला गया, ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, दिस इज फॉर सिंपल एल्कीन्स या सिमेट्रिकल एल्कीन्स में एडिशन किया। अब मैंने आपको बताया था कि भैया ये एडिशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, है ना, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, बट ये इलेक्ट्रोफिलिक था। अब कैसे हुआ इसे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, यहाँ पे टूटेगा और HBr का बॉन्ड भी टूटेगा, तो दिस विल फॉर्म, यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH2 पे लेट से पॉजिटिव साइन आ जाता है, सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ नेगेटिव साइन, प्लस साथ में क्या बनेगा, H पे पॉजिटिव साइन और Br पे
माइनस साइन, ठीक है जी। ये तो हमारा बनना ही बनना है। अब इन दोनों में एक रेस लगेगी। अब एक एच पॉजिटिव है, एक बी आर नेगेटिव है। अब ये एच पॉजिटिव इसकी तरफ भागेगा और बी आर नेगेटिव भी भागेगा। अब जब एच पॉजिटिव भागा तो सबसे कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इसके ऊपर। ब्रोमीन ने ऑपोजिट साइड पे जाना है, प्रोडक्ट तो वही बनना है। अब ये एच पॉजिटिव फास्ट है, क्यों फास्ट है, क्योंकि ये छोटी स्पीशीज है। तो दिस विल फॉर्म, फर्स्टली इट विल फॉर्म सी एच टू पॉजिटिव एंड सी एच थ्री, ठीक है। एक स्पीशीज इसने ये बना दी। अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट अटैक किसका हुआ, एच पॉजिटिव का। अब एच पॉजिटिव क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रो फाइल, दिस इज एन इलेक्ट्रो फाइल, ठीक है। इसलिए इसे हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट अटैक किसका हुआ, एच पॉजिटिव का, इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे अटैक कर देते हैं सी एच टू, यहाँ पे ब्रोमीन का अटैक कर दिया और सी एच टू विद नेगेटिव साइन, मजा नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये हमारी एक स्टेबल स्पीशीज नहीं है, दिस इज अ स्टेबल स्पीशीज, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, बी आर नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा, दिस विल फॉर्म सी एच टू बी आर एंड सी एच थ्री, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे तो समझ नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सिमेट्रिकल था या सिंपल एल्कीन्स थे। यहाँ पे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स का बात करेंगे। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखते रहना, काम आएगा। अब हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स लिए, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, फाइन, ये था। अब ये कहाँ पे टूटेगा, दो तरीके से टूट सकता था, है ना। यहाँ पे हमने इसका एच बी आर के साथ रिएक्शन, पहले तो इसे बाहर में देखते हैं। हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी, सी एच थ्री सी एच विद अ पॉजिटिव साइन सिंगल बॉन्ड, सी एच टू विद अ नेगेटिव साइन, सी एच थ्री सी एच विद अ नेगेटिव साइन सिंगल बॉन्ड, सी एच टू विद अ पॉजिटिव साइन। अब दो तरीके से बॉन्ड टूट सकते थे, दोनों मैंने तोड़ दिए, एक बार इधर की तरफ तोड़ दिया और एक बार इधर की तरफ तोड़ दिया, है ना। जब इधर की तरफ तोड़ा था ये इधर की है। अब इन दोनों स्पीशीज में एक ये कार्बोकैटायन बना और एक कार्बोकैटायन ये बना, है ना। कार्बोकैटायन विल डिस, मैंने आपको बताया था कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, वो हमारे डिटरमिन करते हैं कि हमारा क्या मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन आया, अब एच पॉजिटिव और बी आर नेगेटिव रेस लगेगी। यहाँ पे एच पॉजिटिव का अटैक करता हूँ, क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच पॉजिटिव सी एच थ्री, यहाँ पे एच पॉजिटिव का अटैक हुआ, क्या बनेगा, सी एच थ्री सी एच टू पॉजिटिव। ये मेरा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। विच इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री, क्यों, अभी मैंने पीछे बताया आपको, है ना, ये दो जगह से स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये वाला मेरा मेजर प्रोडक्ट होना है, जो मेरा ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट है वो मेरा मोर स्टेबल या वो मेरा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। सो दिस विल बी सी एच थ्री सी एच बी आर एंड सी एच थ्री, और यहाँ पे अगर अटैक करूंगा तो ये क्या होएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। एच पॉजिटिव एंड बी आर नेगेटिव, एच पॉजिटिव एंड बी आर नेगेटिव। अब ये मैंने आपको बताया था, ये डिटरमाइन करेगा कौन सा मेरा मेजर प्रोडक्ट हो रहा है, विच विल बी द मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट की कहानी थी, यहाँ पे ये मेरा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल था एज कम्पेयर टू दिस, दैट्स वाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट हुआ। अब जब भी एडिशन रिएक्शन होएंगी, जब भी हमारी एडिशन रिएक्शंस होएंगी, वो हमारी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। जितनी भी हमारी एडिशन रिएक्शंस हैं वो हमारी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। देसी वाला जो स्कूल में नहीं लिखना है, पेपर में नहीं लिखना है, उसमें बोलता है
रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर। ठीक है, रिच गेट रिचर, पुअर गेट्स पुअरर, मतलब जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे मेरा हाइड्रोजन जाएगा, और जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे दूसरा ग्रुप चला जाएगा। हमने सिंपल एडिशन करना था, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये ब्रोमीन कहाँ जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। एंड प्रोडक्ट विल बी CH3CHBrCH3। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। देखो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे पीछे कि भैया कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, कैसे इंटरमीडिएट बना और किससे मेरा मेजर प्रोडक्ट बना, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको मैकेनिज्म के थ्रू बताया कि या ये मेरा मेजर प्रोडक्ट था, और यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली एडिशन करके बताया कि दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, रिच गेट रिचर पुअर गेट्स पुअरर। जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन लगा दो, जहाँ पे ब्रोमीन है या जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहां पे दूसरा कोई भी ग्रुप हो। यहाँ पे हम वाटर का एडिशन करते हैं, HCl का करते हैं, HI का करते हैं, तो सब एडिशन एज इट इज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं HX का एडिशन कर देता हूँ, तो प्रोडक्ट विल बी CH3CHXCH3। रिच गेट रिचर, हाइड्रोजन का जाएगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, दिस इज मार्कोनिकोव्स रूल, दिस इज मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है जी, चलिए अब हम चलते हैं अपनी पुरानी वाली। यहाँ पे क्या बोल रहा था, सो वी हैव एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था तो कहीं पे भी लगा दो, यहाँ पे ये दोनों के पास हाइड्रोजन बराबर थे तो एडिशन हो गया। अब एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स, वन एंड टू आर पॉसिबल। ठीक है जी, टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स कौन से थे, एक देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, ये वाला था और ये वाला था, दोनों मैंने बना के दिखाए। बट ये वाला क्या था, हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है जी, तो ये क्या कहता है कि मार्कोनिकोव, रशियन केमिस्ट, मेड अ जनरलाइजेशन इन 1869 आफ्टर स्टडिंग सच रिएक्शंस इन डिटेल। दीज जनरलाइजेशंस लीड्स टू मार्कोनिकोव टू फ्रेम अ रूल कॉल्ड मार्कोनिकोव रूल। द रूल, यहाँ पे डेफिनेशन है, वो वाला मत लिखना, रिच गेट रिचर पुअर गेट्स पुअरर, वो जस्ट याद करने के लिए था। ठीक है जी, वो जस्ट याद कराने के लिए हुआ था। ठीक है जी, क्लियर है। मार्कोनिकोव रूल सिर्फ और सिर्फ वहां पे एडिशन के लिए हमने करना है, राइट। चलो डेफिनेशन याद कर लो, द रूल स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम एडिंग मॉलिक्यूल गेट अटैच टू दैट कार्बन एटम विच पोजेसेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दस अकॉर्डिंग टू द रूल प्रोडक्ट वन दैट इज टू ब्रोमो प्रोपेन इज एक्सपेक्टेड। इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस इज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। दिस जनरलाइजेशन ऑफ मार्कोनिकोव रूल कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब क्या रिएक्शन मैकेनिज्म थे, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया, वही सेम चीज है जो मैंने आपको करके दिखाया। यहाँ पे इन्होंने कार्बोकेटायन बनाया, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, ये मोर स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। द सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन, देयरफॉर द फॉर्मर प्रेडोमिनेट्स बिकॉज इट इज फॉर्मड एट अ फास्टर रेट। द कार्बोकेटायन बी इज अटैक्ड बाय बी आर नेगेटिव आयन टू फॉर्म द प्रोडक्ट एज फॉलोज। ये बी आर नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर जाएगा एंड दिस विल फॉर्म टू ब्रोमो प्रोपेन विच इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, वही कहानी जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, राइट। क्लियर है जी, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट।